नमस्कार टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक तरफ दुनिया में इजराइल हमास और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ ईरान ने एक नया कारनामा करके पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ईरान ने हवा में एक ऐसा कैप्सूल छोड़ा है जिसमें चूहे कछुए और कीड़े मकोड़े हैं। जी हाँ, ईरान का दावा है कि यह उसका अंतरिक्ष मिशन है और वह भविष्य में इंसानों को भी भेजेगा। इस कैप्सूल को छोड़ने के लिए एक रॉकेट सलमान भी लॉन्च किया गया है। हालांकि अंतरिक्ष में जानवरों को भेजने की बात कोई नई नहीं है, बल्कि अमेरिका भी यह कमाल कर चुका है। हालांकि दुनिया को डर है कि इसके पीछे ईरान का मकसद कुछ और ही है। ईरान ने दो दिन पहले सलमान नाम के एक रॉकेट के जरिए कुछ जानवरों को अंतरिक्ष में रवाना किया था। ईरान के दूरसंचार मंत्री ईसा जारेपोर ने कहा कि ईरान की धरती में ही इस रॉकेट और कैप्सूल को तैयार किया गया है। अगले कुछ ही सालों में इंसानों को भी अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी चल रही है। उन्होंने यह तो बता दिया कि रॉकेट के ऊपर 500 किलो कैप्सूल में डालकर जानवरों को भेजा गया है, लेकिन यह नहीं बताया कि इसमें कौन कौन से जानवर शामिल थे।